राम राम जी, मैं आपका दोस्त निखिल गुर्जर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुर्जर दी ग्रेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीर गुर्जर सवाई भोज जी के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा सवाई भोज जी जो जाति से गुर्जर थे और इनका गोत्र चौहान था। इनका जन्म बागसिंह जी के यहाँ सवंत 914 को हुआ था। बागसिंह जी की 12 रानियां थी जिनके दो दो पुत्र पैदा होते हैं। इसी तरह बागसिंह के 24 पुत्र पैदा होते हैं। इनके पिता का नाम बागसिंह होने के कारण सभी 24 भाइयों का नाम बगड़ावत पड़ जाता है। सभी बगड़ावत भाइयों का जन्म विक्रम संवत 913 से 920 के बीच होता है। सवाई भोज गुर्जर तीसरे नंबर के बगड़ावत थे। सवाई भोज गुर्जर का विवाह देवास मध्य प्रदेश के राजा दूदाजी खटाना वह रानी कमलावती की पुत्री माता साढ़ू खटाना से होता है। साढ़ू माता से ही भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण जी का जन्म हुआ था, जो कि गुजरों के आराध्य देव कहे जाते हैं। अब बात करते हैं 24 भगड़ावत भाइयों के बारे में। इन 24 भगड़ावत भाइयों के नाम इस प्रकार थे। सबसे बड़े तेजाजी भगड़ावत, फिर सेजाजी भगड़ावत, तीसरे नंबर के सवाई भोज भगड़ावत, चौथे नेवाजी भगड़ावत, पांचवें धनाजी भगड़ावत, छठे महारावत जी भगड़ावत, सातवें बहरावत जी भगड़ावत, आठवें झटसी जी भगड़ावत, नौवें भटसी जी भगड़ावत, दसवें सांगाजी भगड़ावत, ग्यारहवें मांगाजी भगड़ावत, बारहवें सांझाजी भगड़ावत, तेरहवें कासोजी भगड़ावत, चौदहवें गूदड़ जी भगड़ावत, पंद्रहवें खोदड़ जी भगड़ावत, सोलहवें कोलाजी भगड़ावत, सत्रहवें कुमान जी भगड़ावत, अठारहवें करणा जी भगड़ावत, उन्नीसवें जीवन जी भगड़ावत, बीसवें कानू जी भगड़ावत, इक्कीसवें लालू जी भगड़ावत, बाईसवें जोधाजी भगड़ावत, तेईसवें झालाजी भगड़ावत, चौबीसवें बालाजी भगड़ावत। इन सभी भाइयों की शादी हो जाती है, जिसमें नेवाजी भगड़ावत की शादी मथुरा के सोलाजी नेगाड़ी की बेटी तैनूजी के साथ होती है। और ये सभी भगड़ावत भाई नाग पहाड़ी के डूंगर में गाय चराने का काम करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं वीर सवाई भोज गुर्जर के मंदिर के बारे में। सवाई भोज जी का मंदिर भीलवाड़ा जिले की तहसील आसींद में स्थित है। भीलवाड़ा जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। बहुत ही सुंदर स्थान और रमणीय स्थान है और बहुत ही विचित्र भूभाग में फैला हुआ लगभग 700 बीघे जमीन में फैला हुआ है। देवनारायण भगवान और सवाई भोज का मंदिर यहाँ स्थित है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ हर वर्ष मेला भरता है और यहाँ प्रसाद में रबड़ी का प्रसाद मिलता है। यहाँ रबड़ी घर भी है और प्राचीन घरट भी है, जहाँ पर रबड़ी को बनाने के लिए पीसा जाता था। पहले समय में इसे रबड़ी बनाई जाती थी, अब इसे प्रयोग में नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं उस चट्टान के बारे में जिसे सवाई भोज जी ने अपनी तलवार के एक ही वार से दो टुकड़ों में काट दिया था। यह चट्टान लगभग 5 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी है। इन दोनों टुकड़ों के बीच इतनी जगह है कि आप आराम से इनके बीच में से आर पार जा सकते हैं। दोस्तों, यह था इस वीडियो का पहला पार्ट। आने वाले पार्टों में मैं आपको देवनारायण भगवान व साढ़ू माता के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय सवाई भोज, जय साढ़ू माता, जय देवनारायण भगवान। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको टाइम टाइम मिलता रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय गुर्जर समाज।